नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 69 में। मैं हूं आपके साथ अंकिता और बढ़ते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। राजधानी की क्राइम ब्रांच पुलिस ने अंडे बेचने की आड़ में अवैध शराब बेचने वाले एक युवक को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने शहर के भीमनगर स्थित स्पोर्ट्स क्लब के पास से युवक को गिरफ्तार कर तलाशी ली तो अंडे के ठेले के नीचे छिपाकर रखी गई शराब की 27 बोतल एवं 38 अधि बरामद की गई। वह अंडे खाने आने वाले ग्राहकों को अवैध रूप से शराब भी उपलब्ध कराता था। पुलिस युवक से पूछताछ कर रही है। क्राइम ब्रांच से मिली जानकारी के मुताबिक मुखबिर से सूचना मिली थी कि भीमनगर में स्पोर्ट्स क्लब के पास एक युवक अंडे का ठेला लगाता है जो अपने ग्राहकों को अवैध ढंग से शराब भी बेचता है, जिसके बाद पुलिस टीम के मौके पर पहुंची और निगरानी शुरू कर दी। जैसे ही युवक ने एक ग्राहक को शराब की बोतल दी, पुलिस ने उसे हिरासत में ले लिया। बता दें कि आरोपी नरेंद्र यादव काफी समय से घर के पास अंडे का ठेला लगा रहा है। उसके पास आने वाले ग्राहक अंडे खाने के साथ अपने साथ लाई शराब भी पीते थे। यह देखकर उसने अवैध रूप से शराब बेचने का धंधा भी शुरू कर दिया था। पुलिस युवक से पूछताछ कर इस बात का पता लगाने की कोशिश कर रही है कि वह अवैध शराब कहां से लेकर आता है। भोपाल से न्यूज 69 के लिए आदिल खान की रिपोर्ट। जी, अंडे की दुकान की आड़ में शराब का कारोबार करने वाले को आपने गिरफ्तार करा, क्या पूरा मामला, तो किस तरह की खबर लगी? क्राइम ब्रांच भोपाल लगातार नशे के खिलाफ अभियान जारी रखे हुए है, चाहे वह गांजा चरस हो या शराब हो। अवैध शराब की कई बार संभावना ये रहती है कि जहरीली होने की संभावना रहती है, जो कि अधिकृत या अवैध रूप से लाइसेंस दुकानों के बाहर बेची जाती है। इसलिए लगातार पुलिस और क्राइम ब्रांच कार्रवाई करती रहती है। सूचना मिली थी कि भीम नगर में स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के स्पोर्ट्स क्लब के पास व्यक्ति हैं जो शराब बेच रहा है, अवैध शराब का स्टॉक रखे हुए हैं। पहुँचे जाने पर पता चला कि वहाँ पर अंडे का ठेला है और वहाँ पे जो शॉप अंडे का शॉप रहती है उसकी आड़ में उसकी बिक्री बढ़ाने के लिए अवैध शराब बेची जा रही थी। जब पीछे प्रमाइस में जाकर चेक किया तो 5 पेटी शराब मिली और जिसको कि पुलिस ने जब्त कर लिया है। इस व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। आगे पूछताछ में ठेकेदार जो कि टीटनगर क्षेत्र के हैं वहाँ से सप्लाई करना पाया गया है। क्राइम ब्रांच इसमें आगे पूछताछ और पड़ताल करेगी, क्योंकि शराब में जो नंबर्स होते हैं उससे आगे ट्रैक किया जा सकता है। तो पुलिस आगे भी लगातार कार्रवाई जारी रखेगी। अभी हम प्रारंभिक पड़ताल में, चूँकि ऐसा आरोपी ने बताया है, हम आगे उसकी पड़ताल करेंगे और कहीं अभी एविडेंस आते हैं तो उसमें कार्रवाई की जा सकेगी। हाँ, लगातार ये करीब 2 साल से ठेले जब से चला रहा है तब से धंधा कर रहा है। जब छोटे छोटे बार नहीं पकड़ा गया तो इस बार बड़ा स्टॉक रखे हुए थे, जिसकी सूचना क्राइम ब्रांच को मुखबिर से मिली थी और उस पर कार्रवाई की गई। इस खबर पर आपकी क्या राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तब तक के लिए धन्यवाद।